Hello students, today we will take the poem from class 8 and the name of the poem is The Way Through the Woods. This is the second poem, so let's start with it. First comes to connect. You may have shifted to a new house, taken admission in a new school or moved to a different seat in your classroom. Suppose karo ki aap ek naye house mein shift hue hain ya move on hue hain ya aapne naye school mein admission liya hai या आपको क्लासरूम में एक अलग सीट दी गई है. डिस्क्राइब योर फीलिंग्स अबाउट लिविंग द ओल्ड प्लेस एंड अराइविंग एट द न्यू वन. आपको कैसा फील हुआ अपने पुरानी जगह को छोड़कर और नई जगह पर आकर, आपको कैसा फील हुआ, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करें. नाउ कम्स टू रिफ्लेक्ट. थिंक ऑफ अ प्लेस दैट यू हैव विजिटेड इन योर चाइल्डहुड. एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहाँ आपने अपने बचपन में विजिट किया हो. In what ways has it changed since then? तब से लेकर आज तक वहाँ पर उसमें क्या changes आए हैं, उस जगह में क्या changes आपने feel किए हैं. What is your opinion of the change? और उस change के बारे में आपकी क्या राय है. Now comes to imagine. Draw a picture of one of your favorite childhood haunts and describe it. अपने बचपन की पसंदीदा haunting place को डिस्क्राइब कीजिए और उसका एक चित्र तैयार कीजिए. नाउ कम्स टू बिफोर यू रीड. रुडयार्ड किपलिंग वॉज अ ब्रिटिश पोइट एंड नॉवलिस्ट. रुडयार्ड किपलिंग कौन थे? एक ब्रिटिश पोइट थे और एक नॉवलिस्ट थे. किपलिंग वॉज बॉर्न इन बॉम्बे ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड वॉज ह्यूजली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज होमलैंड. किपलिंग जो थे वो कहाँ बॉर्न हुए थे? बॉम्बे ऑफ ब्रिटिश इंडिया में बॉर्न हुए थे और अपने होमलैंड से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. हिज मोस्ट फेमस वर्क रिमेन्स द जंगल बुक 1894 that depicts stories of a boy called Mowgli raised by a pack of wolves in an Indian forest. उनके जो ज़्यादा फेमस काम थे उसमें से एक था जंगल बुक, जिसमें एक लड़के की स्टोरी के बारे में बताया गया है जिसका नाम था मोगली. His other major works include Just So Stories and The White Man's Burden. और उनके बाकी जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स उन्होंने किए थे उसमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं, जिसका नाम है जस्ट सो स्टोरीज एंड द वाइट मैन बर्डन. किपलिंग वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1907. किपलिंग को साहित्य यानी लिटरेचर में 1907 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था. द वे थ्रू द वुड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन किपलिंग्स बुक रिवॉर्ड्स एंड फेयरीज. जो ये पोएम है द वे थ्रू द वुड्स, सबसे पहले किपलिंग की बुक यानी रिवॉर्ड इन फेयरीज में सबसे पहले पब्लिश हुई थी. द पोएम डिस्क्राइब अ सीन ऑफ अ फॉरेस्ट. इस पोएम में क्या बताया गया है, एक जंगल के सीन के बारे में, एक जंगल के चित्र के बारे में वर्णन किया है. देर वॉज वंस अ पाथ थ्रू द वुड्स विच हैज़ नाउ बिकम ओवरग्रोन एंड कैन नॉट बी सीन ईजिली. कि ये बताया गया है कि कभी यहाँ पर एक रास्ता हुआ करता था जो जंगलों से जाता था और अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पौधे वगैरह झाड़ियाँ ग्रो हो चुकी हैं और जिससे कि वो रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिखता है. वाइल्ड एनिमल्स प्ले एट ईज हेयर. और जो यहाँ के जंगली जानवर हैं वो यहाँ पर आराम से रहते हैं, खेलते हैं. येट देयर आर फेंट हिंट्स ऑफ द पीपल हु हैड वंस यूज्ड द पाथ. पर लोगों ने यहाँ पर बताया है कि उनको जो थोड़ा बहुत कुछ याद था उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि यहाँ पर कभी एक रास्ता हुआ करता था. द पीपल मॉन्स द लॉस्ट ऑफ ऑल द लिटल थिंग्स दैट फेड अवे. और यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया जो लॉस हो चुकी हैं, जो गुम चुकी हैं या जिनकी यादों में, उनकी यादों में से वो चीज़ें धुंधली हो चुकी हैं एंड आर इरेज्ड फ्रॉम एवरीवन्स मेमोरीज. इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑन द क्वाइट ब्यूटी ऑफ नेचर. और इसमें नेचर के बारे में भी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 70 years ago. बताया जाता है कि करीब 70 साल पहले यहाँ जंगलों से एक रास्ता जाया करता था जो लोगों ने उसको बंद कर दिया था. वेदर एंड रेन हैव अंडन इट अगेन. जो यहाँ का मौसम था और बारिश जो यहाँ पर होती थी उसने उस रास्ते को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. एंड नाउ यू वुड नेवर नो. अब आप ये बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे कि देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, कि यहाँ से जंगलों से कोई रास्ता कभी जाता था. बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज, यहाँ पर लोगों ने छोटे छोटे पौधे उगा दिए थे. इट इज़ अंडरनीथ द कॉपिस एंड हीथ. अंडरनीथ मीन्स नीचे. यहाँ पर जो कॉपिस यानी स्मॉल ट्रीज, छोटे छोटे जो पेड़ लगा दिए थे और ग्रास उग चुकी थी एंड द थिन एनिमनीज.
और वाइट पर्पल और रेड फ्लावर्स ग्रो हो चुके थे जिससे कि वो रास्ता बिल्कुल ही इन ओनली द कीपर सीज इन सब चीज़ों को सिर्फ वहाँ का जो कीपर यानी केयर टेकर जो होता था वही सब चीज़ों को देख सकता था दैट वेयर द रिंग डोव ब्रूड्स रिंग डोव यानी पिजन पिजन कहाँ पर अपने एग्स को हैच करता है ये भी केयर टेकर ही अच्छे से जानता था एंड द बैजर्स रोल एट ईज बैजर्स जिनको हिंदी में बिजू कहा जाता है कार्निवोरस एनिमल होता है और वो बहुत ही एंजॉय करता है और रोल करता है देर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स और ऐसा जाना जाता था कि इन जंगलों से कभी एक रोड हुआ करती थी या देखी जाती थी येट इफ़ यू एंटर द वुड्स ऑफ अ समर इवनिंग लेट सपोज करो कि आप कभी गर्मियों में शाम के समय और देर रात में अगर आप इन जंगलों में जाते हो व्हेन द नाइट एयर कूल्स और जब ठंडी हवा चल रही होती है रात में ऑन द ट्राउट रिंग पूल्स ट्राउट यानी फिशेस फिशेस जो हैं वो तालाब में सर्कुलर मोशन में मूव करती हैं वेयर द ऑटर विसल्स इज मेड ऑटर मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने मेट फ्रेंड्स को बुलाते हैं और उनसे उनके साथ एंजॉय करते हैं दे फियर नॉट मैन इन द वुड्स बिकॉज दे सी सो फ्यू क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कोई डर नहीं होता था उन्हें मालूम था कि जंगलों से कोई भी नहीं गुजरता है क्योंकि उन्होंने बहुत कम लोगों को यहाँ से आते हुए देखा था यू विल हियर द बीट ऑफ द हॉर्सेस फीट और जब आप यहाँ जंगलों से गुजरोगे तो तुम्हें कभी कभी ये हॉर्स के पैरों की घोड़ों के पैरों की टापों की आवाज़ सुनाई देगी एंड द स्विश ऑफ द स्कर्ट इन द ड्यू ड्यू यानी ओस की बूंदों में घोड़े पर बैठा हुआ कोई एक महिला सवार होकर जाती है जो चाबुक चलाते हुए और बड़ी सरसराहट की आवाज़ करते हुए वहाँ से गुजरती है स्टेडिली कैंटरिंग थ्रू बहुत ही स्पीड से जाती है बहुत ही तेज़ी से जाती है एंड द मिस्टी सॉलिट्यूड्स और बहुत ही लोनली प्लेस होता है वो एज द दो परफेक्टली न्यू क्योंकि वे जानते हैं अच्छी भली भांति जानते हैं कि जो द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स कि जो कभी जंगलों से रास्ता पहले जाता था अब वहाँ पर जंगलों में कोई भी ऐसा रास्ता दिखाई नहीं देता है सो हेयर द पोएम एंड